मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना में नेताजी को स्टेज पर सम्मान नहीं मिलने से नाराज हो गए। यही नहीं, नाराज होने के बाद धरने पर बैठ गए और रास्ते को जाम कर योजना की पोल खोलने लगे। सिंगरौली जिले के चितरंगी गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 245 जोड़ों की शादी वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुई। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में जिले के सांसद, विधायक सहित विपक्ष के नेता भी सम्मिलित हुए, लेकिन कार्यक्रम में विघ्न तब उत्पन्न हुआ जब कांग्रेस पार्टी के नेता को सम्मान नहीं दिया गया और नेताजी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता अशोक सिंह पैगाम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ जो शादी हो रही है, सीओ ने पैसे लेकर लोगों का नाम पात्र सूची में जोड़ा है और जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनको अपात्र कर दिया गया है। वहाँ पर एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के, गांव में कहावत है। तो यहाँ का जो जनपद सीओ है, ये पैसा ले लेकर जिन्होंने पैसा दिया उनका ही हितग्राहियों को नाम जोड़ा गया और जो पैसा नहीं दिया गया उनको अपात्र दिया गया हो गया। और बहुत सारे जो सचिव सरपंच ने बुला के लाए, यहाँ पर लोग आए हो गया कि आपके नाम में है, और यहाँ पर आने के बाद पता चलता कंप्यूटर हमारा नाम सूची में नाम ही गायब हो गया। तो साथियों, हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, उनको नाम जोड़ो और सबके साथ जो अन्याय हो रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।